मैंने ये दो डिज़ाइन बनाए, फर्स्ट ये है फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न ये है और बीच में ये बनाया है चक्र वाला डिज़ाइन। ये मैं आपको इधर करके दिखाऊंगी, मैं बना चुकी हूँ। अब मैं ये वाला डिज़ाइन इधर डाल रही हूँ, फिर उसके बाद मैं ये डिज़ाइन इधर, फिर ये इधर, फिर इस तरीके से मैं आपको सारा करके दिखाऊँगी। मैंने दो पेटल बना लिए, अब ये वाली पेटल इधर बना रही हूँ। देखिए आप मेरा डिज़ाइन इस तरीके से, पहले इसको हमने लिया नीचे करके, अब इसको आप दबाएंगे, इस पर टाँका लगाएंगे जिससे ये हिलेना एक जगह स्थिर हो जाए। टाँका तो आपको लगाना ही आता होगा, सिंपल सा टाँका है, इसको लेके हाथ में और दोनों तरफ से इस तरह से दबा देना है जिससे कि ये अपनी जगह पे स्थिर रहे इस तरीके से। अब इस जगह में बीट लगाऊंगी वाइट, ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ मैंने बीट लगा दिए। अब मैं इस साइड की पत्ती नीचे बिल्कुल नीचे आ जाऊँगी बॉटम पे, जहाँ से पहले लगाया था पहले वाला उधर ही बॉटम पे आ गई हूँ। अब इस साइड की पत्ती के लिए इस तरीके से यहाँ ज़ारदोज़ी लगाएंगे, इस तरीके से यहाँ इस साइड में लगाएंगे इस तरह पे, इस तरह इसको पहले नीचे कर देंगे। शेप अपने आप देख लेंगे पेटल की कैसी शेप आनी चाहिए, छोटी बड़ी अपने आप हिसाब से देख लीजिए आप। ये तो मेरे बने बनाए फूल हैं, फ्लावर बने हुए हैं, साड़ी पे मैं काट रही हूँ तो मैंने इसलिए आपको दिखा दिया है। ये तो आप अपना अलग से कहीं डिज़ाइन बनाएंगे उसमें आप अपने हिसाब से बनाइएगा, कितना चौड़ा लेना है कितना पतला, जिससे ये पत्ती के अंदर ही आए ये डिज़ाइन, पत्ती से बाहर ना निकले। ये देखिए मैं वाइट बीट लगा रही हूँ, अब इधर सेंटर से ले निकालेंगे सुई, इधर सेंटर से निकालिए, फिर अपने हिसाब से देखिए इतना इतना तक आना चाहिए, उसी हिसाब से आप ये ले लो सलमा कितना बड़ा लगाना है। ये देखिए इधर तक मैंने निशान लगाया था, यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक मैंने ले लिया है। अब मैं बीट लगाऊंगी, अब फिर दोबारा उधर ही ले लेना जहाँ से स्टार्ट करा था ये, फिर नाप ले लीजिएगा धागे से कितना लेना है, इस इतने साइज का लेना है, इतना ही आप काटिए। ये मैंने काट के रखे हुए हैं सब, मैंने ऑलरेडी काट के रखे हुए हैं, उस हिसाब से आप अपना नाप के फिर काटिए कितना आपको ये चाहिएगा। सलमा जितनी लंबाई आपको चाहिए उतना काटिएगा, क्योंकि ये तो लच्छियों में आते हैं तो हमको अपने हिसाब से काटना पड़ता है इनको, बहुत डेलिकेट होते हैं ये, उनको बड़े आराम से काटना पड़ता है नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। ये मेरी पत्ती का मुंह थोड़ा टेढ़ा सा है, इसी प्रकार से मैं शेप दे रही हूँ टेढ़ी सी। मैं हमें बीच में लिया सेंटर में, और मैं थोड़ा टेढ़ा करूँगी इस साइड में, इस ऐसे टेढ़ा, क्योंकि ये टेढ़ी पत्ती जा रही है उस हिसाब से।
ये देखिए मैं थोड़ी शेप तिरछी कर रही हूँ। फिर इधर लेंगे एंड में, अब इस तरफ की टेढ़ी पत्ती जा रही है ना, टेढ़ा थोड़ा लंबा करके लेंगे जिससे ये पूरा भर जाए फ्लावर। तो मैं इसके लिए बड़ा ले लेती हूँ एक, ये मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया है। व्हाइट वीट लगा दो, इस तरीके से ये पूरी पत्ती बन चुकी है। ये एक तरह का एक डिज़ाइन ये है, अब दूसरा डिज़ाइन ये वाला है। ये वाला डिज़ाइन मैंने ये डाला है, ये सीधी पत्ती थी इसलिए इसमें सीधे सीधे आए, ये थोड़ी कर्व लिए हुए थी तो थोड़ा कर्व लिए हुआ आया। अब इस पत्ती के लिए मैंने थोड़ी जगह बचाई, यदि मैं इसको सीधा ले लेती तो इस पत्ती के लिए ये वर्क नहीं हो पाता इधर, इसलिए मैंने थोड़ा इसको कर्व करके लिया कि इसके लिए थोड़ा स्पेस बच जाए, क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, ये तो मैंने कुछ बनाया नहीं है अपने हाथ से, तो मैं बनाती तो अच्छी तरीके से बनाती, अब इसमें इसी शेप है तो मैं उसी हिसाब से चल रही हूँ, और छपाई करती तो मैं अपने हिसाब से सही से बनाती। ठीक है, अब मैं दूसरी पत्ती स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से दूसरी बैटल स्टार्ट होने जा रही है, ये देखिए इधर से, अब इसमें इस तरीके का बनाना है मुझे। इसके लिए भी मैंने ये काट के रखी हुई है, अभी मैं आपके सामने भी काट देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए किस तरीके से काटना है। ये देखिए मैंने काट के रखी हुई है, अब इसको मैंने लंबा ले लिया है, लंबा लिया है, इसको मैं थोड़ा कर्व देके इस तरीके से पहले पूरा एंड तक ले जाइए नीचे तक, इस तरीके से इधर आप अपना अंगूठा रख लीजिए और घुमा के इधर टांका लगाइए नीचे को कर दीजिए, फिर उसके बाद में फिर आप ये करने के बाद में फिर आप इसको इस तरीके से पकड़ के, बीच में ये आ गया, जगह कम हो गई, चलिए कोई बात नहीं, इधर इधर की तरफ लेके इस तरीके से ये लीजिए इधर से सुई, और इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए जिससे कि ये पत्ती की शेप में आ जाएगी, घूम के बस इधर आगे से निकाल के बैक साइड में इसको स्टिच कर दीजिए इस तरीके से, थोड़ा कर्व आ गया, कर्व आ गया ना इस तरीके से। अब हम इधर से लेते हैं दूसरी दूसरी पत्ती के लिए, यहाँ से इस तरीके से लेंगे हम, इसको भी इस तरीके से घुमा के ऐसे कर लेंगे। अब ये आपके सामने काट के दिखाती हूँ कि मुझे कितना बड़ा लेना है, पहले से मैं नाप लेती हूँ जितना बड़ा लेना है, मैं इसको पहले कटिंग कर लेती हूँ, तब ये देखिए कितना बड़ा लेना है। शुरू शुरू में बड़े लगते हैं, फिर बीच बाद में छोटे जाते हैं, क्योंकि पहले ये लॉन्ग होता है फिर थोड़ा छोटा छोटा होता जाता है कर्व। ये देखिए अब इसको कर्व करना है, पहले तो आप इसको इस तरीके से इधर कर दीजिए पिल, फिर इसको आप ऐसे करिए और ये वाली शेप दीजिए, ये पकड़ के और अंदर करके लीजिए जिससे दूसरी पत्ती बनेगी ना उसके लिए जगह बचे।
इस तरीके से पकड़ के और इस कर्व में टाका दे दीजिए, इससे ये फिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने कर दिया इस तरीके से फिक्स, इसको देखिए हो गया। अब मैं इसको ऊपर की साइड में लेती हूँ। इसको इस तरीके से मैं अब कर्व लूँगी, काफ़ी बड़ा कर्व लेना है मैंने। अब इसको पकड़ लिया हाथ से और इधर कर दिया अंदर, सुई को अंदर नीचे पिरो दिया और इसको हाथ में पकड़े हुए हूँ। अभी आप कर्व देख लीजिए काफ़ी बड़ा आएगा। मैंने सुई के इस तरफ से ये देखिए, जिससे क्वेश्चन मार नहीं लगता है, इस तरह से क्वेश्चन मार बन गया। और इसको मैंने टाँग दिया, ये देखिए। अब मैं यहाँ से लूँगी, वही ऐसी बनकर देखती अच्छे बच्चों के लिए। ये देखिए अब मैं अब फिर काटूँगी, ये देखिए। लाइट जा सकती है, ये देखिए ले लिया। अब इसको इधर से, इसको इधर से इधर ऐसे कर्व लूँगी। मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। इसको ऐसे पकड़ेंगे, पहले आप अपने अंगूठे ये इसको आगे ये लगाया, इसको मैंने इधर की तरफ कर दिया। अब मैं इसको पत्ती का शेप लूँगी, नीचे से पकड़ लिया धागे को और इसको इस तरीके से अब अंदर की तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ सुई लेके इसको खींच दो कस के और इसको इसके ऊपर से टाँका दो। अब मैं इस तरफ जा रही हूँ, इस तरफ पूरा लगाऊंगी। दोनों पत्तियाँ साथ साथ बनती चली आ रही हैं दोनों तरफ से, थोड़ा सा आगे करके जैसे कि ये इस तरीके से निकली हुई दिखाई दे। मैं काफ़ी कर्व दूंगी, देखिए ये है एंड होने को आ रहा है, पर छोटा सा एक आएगा।
लिया, इसको नीचे किया इधर से, सील कर दिया, ये हो गया। अब इस तरफ आ जाइए, यहाँ से लीजिए ये। अब इधर से इतनी कितनी पत्ती आनी चाहिए, इस तरीके से छोटा लेना चाहिए। मैं ये एंड करने के लिए ऊपर इधर लिया, इसमें कट नहीं डालना है क्योंकि ये नोक बनेगी ऊपर। अब इधर से लिया इस तरफ से, उनको बीच में इस तरीके से बीड्स लगाने हैं। इसको थोड़ा दूर करने के लिए यहाँ से इसको टांका लगा, ये टांका लग गया, ये दूर लग गया। इसको भी थोड़ा चौड़ा करने के लिए इसको अंदर से, यहाँ से अंदर से लेके पीछे की तरफ थोड़ा धकेल के इसको ऐसे से ये गैप आ जाएगा, गैप आ गया। अपने हिसाब से बना लीजिए जिससे आपको सही लगे। अब मैं पीछे इधर से ये सलमा लगाऊंगी और एक ही बीड्स लगाऊंगी। पहले धागा खत्म हो गया, धागा ले लूँगी पीछे बंद करके, नोट लगा के धागा दोबारा प्योर होगी। कि इसका ये ऊपर का मुंह ऐसे दिखाई ना दे, उस साइड इस तरफ धागा ले जाइए और इस तरफ पोइए, जिससे ये छेद इसके बीड्स के दिखाई ना दे ऊपर, देखने में फिर अच्छे नहीं लगते हैं वो। मैंने इस तरीके से करा है कि ये छेद नीचे चले जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से ऊपर सही बीड है, कहीं भी आपको छेद मुंह दिखाई नहीं देंगे। आप तिरछा लगाइए इसको। अब यहाँ से दोबारा लीजिए, इसको पिरोइए इस तरीके से और यहाँ लगाइए इस तरीके से, नीचे निकालिए फिर ऊपर लाइए बीट्स लगाने के लिए। ये मैं तिरछा ले रही हूँ, देखिए बिल्कुल सीध में नहीं लेना है, बीट्स लगाने के लिए मैं इधर निकाला है आगे करके तिरछा। अब इसमें बीट्स डालूंगी, ये देखिए ये डाल के इसको लेटा के रखना है इस तरीके से, डमरू की तरह नीचे लेटा के रखना है, इसका मुंह पर खुला हुआ दिखाई ना दे। ये देखिए अब इधर से निकाल लीजिए,
यदि आप इसको पकड़े रहेंगे धागे को और जब तक सुई पूरी निकल नहीं जाए, जब तक पकड़े रहेंगे तो ये उलझेगा नहीं, और आपने बीच में छोड़ दिया तो ये बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इसके उलझने के। धागे को इस तरीके से छोड़ दिया, आप इधर से पकड़ेंगे जब तक नीचे सुई निकाल रहे हैं तो ये उलझेगा नहीं, इस तरीके से पकड़ रही है, और छोड़ दिया तो फिर उलझने के चांस रहते हैं। हम जल्दबाजी करते हैं, छोड़ देते हैं, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अब मैं ये दोबारा बनाऊंगी यहाँ पे, फिर मैं ये वाला बनाऊंगी यहाँ पे, फिर ये वाला यहाँ पे बनाऊंगी, इस तरीके से मैं पूरा करूँगी। ये चक्र पहले बना चुकी हूँ, आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ इधर ये कैसे बनाते हैं। सेंटर इसका फ्लावर का सेंटर पॉइंट ये बीट्स है, ये मार्केट में मिलती है। एक तरफ से इसका उठा हुआ वो होता है और दूसरी तरफ से बिल्कुल प्लेन होती है, तो ये इस तरीके से लग जाती है कपड़े में, तो उठी उठी ही नहीं लगती है, नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो जाती है ये। इसको मैंने लगा दिया पहले, इसमें इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया, फिर मैंने इसके चारों तरफ सलमा लगाया, तरीके से लगा के फिर सलमा लगाया। इस तरीके से गोल घुमा के इधर की तरफ ऐसे निकाल दिया। अब फिर मैंने यहीं से इसको दोबारा से इसको पक्का करने के लिए सुई निकाली बीट से पास से सलमे के अंदर से। अब इसमें एक टांका लगा दिया जिससे ये पक्का हो गया, इस तरीके से लगा दिया। अब मैंने फिर यहाँ से जहाँ से इसका एंड है वहाँ से फिर दोबारा सुई निकाली, फिर सलमा पोया, फिर सलमा पिरोया इसमें सुई में, फिर इसको इस तरीके से गोल करके लगा दिया। ये देखिए ऐसे यहाँ बिल्कुल सुई के इसके बीट्स के एंड में जिससे दिखाई ना दे, बिल्कुल बीट्स के सटा के बिल्कुल लगाया है, चिपका के बिल्कुल, और फिर यहाँ से निकाल लीजिए जिससे ये पक्का हो जाए। बीट्स के पास से निकाल ली सुई को इस तरीके से, और फिर इसको ऊपर से लेके इस तरीके से पो दीजिए जिससे ये पक्का हो जाए। ये हो गया। फिर मैंने यहाँ से निकाला पास से इधर से बिल्कुल पास से, ये देखिए सुई बिल्कुल इसके पास में है। फिर मैंने पोया, ये देखिए इस तरीके से। अब फिर इसको मैंने इसको थोड़ा आगे ले लिया इस तरीके से, आगे करके इस तरीके से लगा दिया इस तरीके से। आगे मैंने क्यों लिया मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, पहले मैं इसको पक्का कर लूँ। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें निकलती हैं उस प्रकार से इसकी कढ़ाई करते जाना है, जिससे थोड़ा थोड़ा आगे लेते जाएंगे तो ये इस तरीके का पैटर्न आ जाएगा। पहले पूरा राउंड कर लिया, फिर एक एक आगे तरीके से लेते जाएंगे तो इस तरीके से चक्र बन जाएगा, समझ आया। अब मैंने ये थोड़ा आगे करके लिया है, अब मैं यहाँ से निकालूँगी इस तरीके से, मैं अब आगे आगे लेती जाऊंगी। ये देखिए
तीन राउंड लिए मैंने इसके। फर्स्ट राउंड में मैंने बिल्कुल चिपका दिया, सेकंड राउंड में थोड़ा इस तरह से लिया, तीसरे राउंड में किरण बनी हुई दिखाई देंगी। तो सेकंड राउंड चल रहा है, सेकेंड राउंड पूरा हो गया। अब ये किरणें बनना शुरू होंगी इसकी। ये इस तरीके से गैप छोड़ते जाना और बीच में से गैप के बीच में से देना है, जिससे किरणें अलग ही दिखाई दे उठती हुई। गैप छोड़ दिया है, अब इसके बीच गैप के बीच में से लेना है। ये देखिए इधर से इस तरीके से यहाँ लगा देना है। अब इधर से गैप में से लेना है। ये देखिए इस तरीके से इसको दबा दिया, जो ज़्यादा उठ रहा है उसको एक टाका लगा के नीचे पे थोड़ा फोर्स डाल के दबा दिया। अब फिर इस गैप में से ले लिया। इसके लिए एक से काटने हैं ये ज़ारदोज़ी को, ये नहीं कि एक छोटा एक बड़ा तो फिर वो आड़े तिरछा आने लगेगी ये शेप। एक एक ही साइज़ के काटने हैं और धागे को भी कस के रखना है, जिससे कि उसमें बल ना पड़े। ये देखिए इधर ही आ गया। अब इस गैप में से लेंगे हम। तरीके से गैप में से ऐसे ऐसे लेते जाएंगे चारों तरफ, और जो ज़्यादा उठ रहा है उसको दबा दिया जाएगा। दबाने से शेप सही आ जाती है। ये देखिए इस तरीके से इसको इधर कर दिया। देख लीजिए आप लगा कि कहाँ सही बैठा, वहीं पे लगा दिया। जहाँ शेप सही है वहीं पे लगा दिया। फिर इसके बीच में से ले लिया, इधर से इसे बीच बीच में से लेते जाए। पहले मैंने क्या करा, पहले दो राउंड प्लेन लगाए, प्लेन के। ये देखिए उठ रहा है, इसको दबाना पड़ेगा अभी बीच में। पहले मैंने प्लेन के दो राउंड करे हैं, फिर उसके बाद मैं इस तरीके से किरण का करा है। ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको दबाने के लिए ऊपर से टाँका लगाना पड़ता है, जिससे कि वो उठे ना। उठने से फिर वो शेप खराब हो जाती है और फिर उसका किसी उठा उठा अच्छा भी नहीं लगता। साड़ी का पल्लू का किसी भी चीज़ में फंसने का डर रहता है, टूटने का डर रहता है, उसे खराब हो जाएगी कढ़ाई, इसलिए इसको दबा दिया जाता है। अब तो छोटे स्टेप हैं तो इनको दबाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े स्टेप हों तो उनको दबाने चाहिए। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े लिए थे तो इनको सबको दबाया है, छोटे छोटे हैं इसलिए नहीं दबा देंगे इनको।
इस तरीके से आप इस बीच का मैंने आपको चक्र बताया नहीं था, अब मैंने कहा बता देती हूँ अलग से, इसे आप बना सकें, इसको आप और भी बड़ा कर सकती हैं। इस तरीके से बनाती जाइए आप इसको, साड़ी में भी, ब्लाउज की स्लीव्स में, बैक साइड में और सूट में, आगे की साइड में, अच्छा सा डिज़ाइन लगता है इसका। बीच में बीट्स लगा के और इस तरीके से बनाते जाइए, इतना सुंदर डिज़ाइन बनेगा इसका। ये उठ रहा है तो वजह से दबाना पड़ेगा, ये देखिए ये मैंने दबा दिया, ये देखिए अभी एक और आएगा, अभी इसके बीच में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये। इसको आप नीचे कर दीजिए इस तरीके से, और आप इसको और आगे बढ़ाना चाहती हैं और काफ़ी बढ़ सकता है ये। इसी तरीके से आप बीच में गैप में लगाती जाएंगी, इधर इधर बीच में गैप में, जब गैप हैं इस तरीके से लगाती जाएंगी। तो मेरा तो इस फ्लावर के हिसाब से मैंने इतना ही लिया है, इतना ही पैटर्न लिया है। आप इसको और बड़ा बनाना चाहती हैं तो और भी बड़ा बन जाएगा। कैसा लगा आपको बताइए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको यदि अच्छा लगा है तो मुझे आप कुछ कमेंट्स लिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा।